मैं इस वीडियो में आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफ सिग्नेचर लोगो डिजाइन की फ्री PLP फाइल देने वाला हूँ, बट PLP फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आई बटन में ऊपर की ओर मिलेगा। तो कैसे हम इस प्रोफेशनल लोगो डिजाइन को बनाने वाले हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कुछ न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाके इन्फॉर्म कर देना। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PixelLab एप्लीकेशन को ओपन करना है। सबसे पहले न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है। अब हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर इमेज साइज पर क्लिक करना है, फिर हमें कस्टम पे क्लिक करना है। अब हमें YouTube थंबनेल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमें प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फिर फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर इस फोटोग्राफी आइकन PNG को सेलेक्ट करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। इस PNG की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर हमें रिलेटिव पोजीशन टूल पे क्लिक करना है, फिर इस दोनों बटन को एक एक बार क्लिक करना है जिससे PNG बीच में आ जाएगी। अब हमें बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले 3rd वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। अब हमें लेयर टूल पे क्लिक करना है, फिर इस लेयर को लॉक कर लेना है जिससे वह PNG अब अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अब हमें प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फिर शेप्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो एक व्हाइट बॉक्स आ गया है। अब हमें रेडियस वैल्यू को 100% इंक्रीज करते ही राउंड शेप हो जाएगा। अब हमें उसे इस तरह से उसकी साइज को छोटा कर लेंगे, फिर ओके पे क्लिक करना है। अब इस लेयर को भी हमें लॉक कर लेना है, फिर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है जिससे लेयर सिलेक्शन करने के बॉक्स आ जाएंगे। अब हमें दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें इस एडिट वाले 2nd आइकन पे क्लिक करना है, फिर इस मूव आइकन पे क्लिक करना है, फिर कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड को मूव कर लेना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। अब हमें राउंड शेप को कलर देना है जिससे एक प्रोफेशनल लुक मिल सके, इसलिए हमें राउंड शेप को सेलेक्ट करना है, फिर कलर टूल को ओपन करना है, फिर एनेबल को ऑन एंड करना है, फिर हमें वायलेट कलर को चूज करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। अब हमें टेक्स्ट नेम को ऐड करना है, तो हम सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर न्यू टेक्स्ट आ गया है, इसे यहां पर बीच में ले आना है। अब हमें 1st वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर हमें वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में रखना है, इसका ध्यान दीजिएगा। नेम लिख लेने के बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है, तो हम अब फॉन्ट टूल पे क्लिक करेंगे, फिर हम माय फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब हमें ऑन्टोग्राफी फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। यह वाला फॉन्ट आपको पिक्सेल में नहीं मिलेगा, उसे आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको फॉन्ट ऐड कैसे करते वो नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखी है, इसके बाद वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब हमें ओके पे क्लिक करना है, फिर नेम को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है, फिर हमें इस लेयर को भी लॉक कर लेना है। फोटोग्राफी लोगो डिजाइन को बीच में लाने के लिए हमें सभी लेयर को सेलेक्ट करना है, फिर 2nd आइकन पे क्लिक करना है। अब रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है, फिर एक बार इस बटन पे क्लिक करना है, फिर से हमें टेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, इस न्यू टेक्स्ट को एडिट करना है, हमें कैपिटल लेटर में फोटोग्राफी नेम लिख लेना है, फिर ओके पर क्लिक कर लेना है, फिर हमें फॉन्ट वाले ऑप्शन को ओपन करना है, फिर इस वाले फॉन्ट को चूज करना है। यह फॉन्ट आपको PixelLab में मिल जाएगा, फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर फोटोग्राफी टेक्स्ट को कुछ इस तरह से छोटा करके सेट कर लेना है। अब हमें स्पेसिंग टूल पे क्लिक करना है, फिर कुछ इस तरह से स्पेसिंग वैल्यू को इंक्रीज करना है, इससे हमें लेटर के बीच जगह दिखाई देगी जिससे एक प्रोफेशनल लुक हमें देखने को मिलेगा। टेक्स्ट को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगो रेडी हो गया है। जब आप PLP फाइल ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट होगा, तो आप इस रोहित शर्मा नेम टेक्स्ट को आप चेंज करके अपना नेम जो भी वो लिख सकते हो। मैं फिलहाल विराट कोहली लिख लेता हूं। अगर इस तरह के स्टाइलिश और प्रोफेशनल सिग्नेचर लोगो डिजाइन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है। कुछ फ्रेंड मेरी वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। अगर पिक्सेल में फॉन्ट ऐड कैसे करते हैं वो जानना है
तो पहली वीडियो पर क्लिक करें।